आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ जिलाधिकारी गौरांग राठी और एसपी डॉक्टर अनिल का मास्टर प्लान। कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को डीएम गौरांग राठी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पीस कमेटी की बैठक हुई। इसमें आगामी पर्वों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को जहां निर्देश दिया गया, वहीं समिति के पदाधिकारियों से सहयोग भी मांगा गया। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने सभी उप जिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय, थानाध्यक्ष को निर्देशित करते हुए कहा कि रामलीला आयोजकों, दुर्गा पूजा पंडाल व्यवस्थापकों, पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए आयोजन स्थल व रूट पर पैदल भ्रमण करते हुए सभी आवश्यक बिंदुओं को नोट कर उसका तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जनपद के सभी रामलीला कमेटियों व दुर्गा पूजा पंडाल आयोजकों को आयोजन के लिए अनुमति पत्र लेना अनिवार्य होगा। कहा कि कोई भी पूजा पंडाल या धार्मिक आयोजन सार्वजनिक मार्ग बाधित करके न हो। सार्वजनिक मार्ग बाधित करने की दिशा में पंडाल को थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर लिया जाए, जिससे आने वाले दर्शनार्थियों को आवागमन में कोई दिक्कत न हो। पूजा पंडाल के ऊपर वाटर शेड, विद्युत वायरिंग खुला न हो। पंडाल के ऊपर विद्युत तार न हो। पंडाल के पीछे बिजली की व्यवस्था हो। पानी का ड्रम रखना सुनिश्चित करें। आयोजन स्थलों पर दर्शनार्थियों के आने जाने के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग की सुविधा हो। महिलाओं के आने जाने के लिए एक अलग क्लोजर की व्यवस्था हो। आयोजक व वॉलेंटियर आई कार्ड अवश्य पहने। उन्होंने सभी डीजे संचालकों को निर्देशित किया कि निर्धारित ध्वनि सीमा तक ही डीजे साउंड का प्रयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र ने दुर्गा पूजा आयोजकों से कहा कि कोई भी मूर्ति विसर्जन नदी में न होकर चिन्हित तालाब या नहर में सुनिश्चित करें। इस मौके पर एएसपी राजेश भारती, अखिलेंद्र बघेल, अजय सिंह, कैलाशपति शुक्ला, अवधेश कुमार वैश्य आदि उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ विकास मिश्रा की रिपोर्ट। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।